भद्रा तटे पूरवम भूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंग भद्रा नाम की नदी थी, तो वहां पर सभी धर्मों के लोग रहते थे। इसको एक कहानी की तरह आप सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में ही है। और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के, सुख सुविधाओं से घर भरा था, लेकिन एक कमी थी। कोई बताएगा क्या नहीं था? कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वो महाशय बड़े दुखी थे। बहुत से उपाय किए लेकिन संतान नहीं हुई। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये बात मैं अपनी पॉकेट से नहीं बोल रही हूं, मैं भागवत से बोल रही हूं। आप धर्मशास्त्रों को उठाकर देख लो, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो वस्तु हमारे भाग्य में होती है वो बिना प्रयास किए मिल जाती है, और जो वस्तु हमारे भाग्य में नहीं होती है प्रयास करके अगर हम प्राप्त कर लें तो भी भाग जाती है। राजा दशरथ के चार पुत्र थे, चारों आज्ञाकारी थे, लेकिन मुझे ये बताइए एक भी पुत्र से उनको सुख मिला? नहीं। क्यों? उनके एक बेटी थी, लेकिन फिर भी चाहते थे कि पुत्र हो, संतान हो, वंश वृद्धि हो, आगे बढ़े। चार पुत्र हुए, यज्ञ हुआ, चार पुत्र हुए, लेकिन एक से भी सुख नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राजा दशरथ ने कहा कि चौथापन आने वाला, मन कमल अभी तक खिला नहीं, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होने जा रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे कोई संत, माफ करिएगा, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, बेटी तो थी शांता। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है, हो जाए अगर कुपुत्र कहीं, ग्रह को शमशान बनाता है। ये तो गलत फहमी है ना कि पुत्र से ही वंश चलेगा, अगर कुपुत्र हो गया तो शमशान बन जाएगा। मैंने बहुत पहले चार पंक्तियां लिखी हुई थी कि जो लोग बेटा बेटी में भेद करते हैं उनके ऊपर। बेटियां वो पहाड़ हैं जो कभी झुकता नहीं, बेटियां वो पहाड़ हैं जो कभी झुकता नहीं, बेटियां वो पुष्प हैं जो कभी मुरझाता नहीं, बेटियां वो चिराग हैं जो कभी बुझता नहीं, और बेटियां वो चमत्कार हैं जिनके बिना बेटा कभी होता नहीं। बेटियां किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं, हमने उनको कम माना है। आज आप सभी के समक्ष कोई बेटी ही है, तो इससे ही जाग जाना चाहिए, इससे अधिक मैं क्या जगाऊं। तो उन्होंने कहा कि हो जाए अगर कुपुत्र कहीं, ग्रह को शमशान बनाता है। अब एक छोटी सी बात और अपने कान में डाल लीजिए, मन में आया है तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दूं। जिनका इस संसार में विवाह नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो भाई हो या कोई बहन हो, और जिनके विवाह होने के बाद कोई संतान नहीं हुई है, तो आप दुर्भाग्यशाली नहीं है। आपको मैं सच बता रही हूं, आप उस जन्म के बहुत बड़े भाग्यशाली भगवान के भक्त रहे हैं, जो भगवान ने इस जन्म में भी आपको भजन करने का मौका दिया है। देखिए, घर गृहस्थी में पढ़ के मंदिर कम जा पाते हैं, साधना कम हो पाती है, और जब हम आगे पीछे कोई होता नहीं, ना कोई रोने वाला ना कोई रोने वाली, तब भजन ज्यादा होता है। अब घर पे लॉक लगाया, फ्लैट को लॉक किया और बस चले आए। अगर कोई रोने वाला या रोने वाली होती तो ये संभव था, दो चार इधर ही बैठे होते या आप लोग संभाल रहे होते। मुझे कोई चिंता है? मुझे बस चिंता है तो आपकी और अपने भगवान की, कि मुझे वहां पहुंचना है और आपको भी पहुंचाना है।
बस इससे अधिक कोई चिंता नहीं है। और ये जब तक सांस है ये चिंता जाएगी नहीं। और जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने संसार में भेजा है उसको पूरा करके ही जाऊंगी, ये मेरा वायदा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की। तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन बहुत दुखी हो गए और सोचा कि संतान है नहीं तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, मर ही जाते हैं। तो वन में जाते हैं और वन में जाकर जल पिया और सोचा कि मर जाते, लेकिन मर नहीं पाए क्योंकि मरना इतना आसान तो नहीं है। सोच लो आज तो प्राण दे ही देंगे, आज तो खत्म कर ही देंगे, लेकिन जब विचार करते हैं संसार में थोड़ा दिमाग जाता है, दिल जाता है, तो फिर से हम वापस लौट आते हैं। नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं। और अच्छी बात है, जब भी बुरे विचार मन में आए तो उनको टालिए, और अच्छे विचार आए जब भी शुभ संकल्प मन में आए तो उसको तुरंत करिए। तुरंत अगर आए कि आज इसको मेरे घर के बगल में कोई वृद्ध है, उनको भूख लगी है, उनको रोज हम खाना देंगे, ऐसा संकल्प मन में आया तो आप तुरंत खाना बनाइए और तुरंत उनको खिलाइए। शुभ संकल्प आए तो तुरंत करिए उसको। कभी आए कि आज गंगा स्नान करेंगे और फिर पड़ोस की कोई सहेली आ जाए कि आज कुछ बातों में लगा ले, फिर आपको अरे आपकी बातों में लग गए अब छोड़ो कल जाएंगे, नहीं नहीं उनको अभी हटाइए, पहले आप गंगा स्नान जाइए। जब भी शुभ संकल्प मन में आए तो पहले वो करिए, और बुरा संकल्प आए तो मन से बोलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों आए तो बोलो परसों नहीं अब आगे करेंगे, तो वो आके परेशान हो जाएगा और अपने आप वो बुरा संकल्प मर जाएगा। तो ये भी महा से गए मरने के लिए, संतान नहीं है मर जाते हैं। तो देखा कि जल पिया, पेड़ के पास बैठ गए और रोने लगे। तो एक सन्यासी महात्मा का आगमन हुआ तो उन्होंने देखा कि कोई रो रहा है, भाई संत हृदय नवनीत समाना। तो देखा कि क्यों रो रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का। तो अब वो रो रहे थे और ज्यादा रोने लगे। तो कारण क्या बताया कि कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासना। कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, काल की गति बड़ी प्रबल है। देखिए कोविड को 2-3 साल हो गए, मैं डरा नहीं रही हूँ लेकिन समझा रही हूँ। किसी को पता था कि हमारा कोई हितैषी चला जाएगा? जब मेरी पहली बार यहाँ कथा हुई थी फरुखाबाद की धरा पे, तो बड़े अच्छे भक्त थे दुबे जी, जहाँ तक मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने घर पे उस समय, और मैं गई भी थी। और फिर उसके बाद संकिसा में कथा हुई तो वो वहाँ भी गए, और उसके बाद मुझे पता चला कि कोविड में अचानक से भगवान को प्यारे हो गए। तो कहने का मतलब है क्या पता होता है कि अचानक से कुछ हो जाए, है ना, क्योंकि काल की गति हमें नहीं पता ना कि हमारा कब अंत होगा, हमें अगली सांस का नहीं पता है ना, ये नहीं पता होता है। तो ऐसी दिव्य आत्माओं का मतलब स्वर्ग पे जाना हो गया क्योंकि ऐसी आपदा आई। तो ऐसी आपदा कभी भी किसी भी समय किसी के जीवन में आ सकती है। तो वो वही करे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कि जो कर्म की गति होती है बड़ी प्रबल होती है। अब आपकी साधना का समय 50-55 साल की उम्र हो गई, तो अब संसार बच्चा अच्छा की मत सोचिए, अब आपको क्या सोचना है कि भजन करना है। तो संन्यास सर्वता सुखम, संन्यास धर्म को ग्रहण करिए और भगवान का भजन करो, इसी में सुख है। अब उनके जो दिमाग में था कहने की नहीं संतान होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए, तो वो रोने लगे, उनके चरणों में सर पटकने लगे कि महाराज हमें संतान होने का आशीर्वाद दे दो, कि सुना है कि जब सन्यासी संत कोई आशीर्वाद दे दें तो भगवान भी अगर ना कर दें, अगर आपका आशीर्वाद हो तो वो भी प्राप्त हो जाता है। उन्होंने बहुत समझाया, त्याग की तपस्या की बातें बताई, बोले ये ज्ञान पहले से ही हमें है, अगर आशीर्वाद देना है तो एक संतान का दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप कह रहे हो, तो
एक फल दिया और कहा कि सत्यम सोचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। माताएं बहुत ध्यान से सुने, और ये जो विधि मैं बताने जा रही हूँ, आप अपने रिश्तों में, चाहे आपकी बेटी हो चाहे आपकी सहेली हो, उनको भी बताएं। क्योंकि आज हम संसार में ये सब चाहते हैं कि एक सुंदर संतान हो हमारे घर में, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा जी जैसी बेटी हो, तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। तो ऐसे मैं जब भी जो माताएं गर्भवती हों उनके लिए नियम बताया कि सबसे पहला नियम दिया सत्यम, सत्य बोलें। सौचम, सौचम का अर्थ होता है कि जितना आप बाहर से साफ सुंदर रहते हो उतना भीतर से भी रहें। मन में कोई कुभाव नहीं आना चाहिए किसी के लिए, आप बुरा ना सोचें, आप दया का भाव रखें। मान लो किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी कर दिया, किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया, संसार है। देखिए, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, वो आप भी ध्यान दीजिएगा कि बुरा अपनों का लगता है, परायों का नहीं। हम अगर मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने, या कोई शॉप पे, शोरूम पे अगर कुछ हो जाता है तो हम गुस्सा जाते हैं, अरे उसने ऐसे बोल दिया। अरे वो तो बोलेगा, क्योंकि वो आपका नहीं है, तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो? आप अपनों से उम्मीद करिए, है ना। तो उनको लेकर आप दिमाग को टेंशन में मत दीजिएगा, और उनको क्षमा कर दीजिए कि उनको भगवान ने जैसा स्वभाव दिया वैसा इनका है। उसको दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो दवा लेते हैं, औषधि खा खा के खुद को सही करते हैं, अरे उन्होंने ऐसे कह दिया। वो कहेंगे गैरों की बातों का बुरा क्या मानना, बुरा मानो तो अपनों की बातों का मानो। तो दया का भाव रखिए, दान करिए, और भोजन जितना हो कम करिए, एक भक्तम तो भोजनम। तो अगर ये नियम साल भर किए जाते हो, जितना भी टाइम पीरियड होता है, तो उसमें एक सुंदर संतान का जन्म होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि बेटी हुई तो हो सकता है कि मीरा जी आ जाएं, और बेटा हो तो हो सकता है कि ध्रुव प्रहलाद आ जाएं, हो सकता है। ये नियम बताइए, और घर पे वो फल लेकर आते हैं, पत्नी को फल दिया, आज बहुत खुश हैं कि ये संत ने फल दिया है, और ऐसे ऐसे नियम बताए गए हैं। पत्नी थोड़ी कुतर की स्वभाव की थी, उन्होंने फल को खाया नहीं, कहा कि सच्चाई पूछो तो वो संतान को चाहती ही नहीं थी कि मुझे संतान हो। अगर धुंधली के विषय में मैं बता दूं तो शायद माताओं को वो बात अच्छी नहीं लगेगी। जानते हो, मैं बता रही हूँ आपको, धुंधली क्या कह रही हैं, जो आत्मदेव की पत्नी होती हैं, वो ये कहती हैं कि मेरी नजर में जिनके संतान नहीं होती है या जिनके पति नहीं होते हैं तो उनके संतान नहीं होगी, वो लोग ज्यादा अच्छे हैं। मैंने बहुत लाइटली बताया, आप समझ जाइए। गर्भ धारण करने से उधर बढ़ जाता है, घर का कामकाज भी नहीं होता है। अगर घर में आग लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे, हम जल जाएंगे, कामकाज होगा नहीं। अगर हम किसी रिश्तेदार को बुला लेंगे, ननद को बुला लेंगे, तो सारा सामान ही चट हो जाएगा। ये स्वभाव, हमारा घर का सामान ही चोरी हो जाएगा। भाई ननद इतनी बुरी होती है क्या? अब आप लोगों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। अब वो जो धुंधली कह रही वो हम बता रहे हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि मैं तो संसार में हर स्थान पे जाती हूँ, तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ कि ननद भाभी में भी इतना प्यार होता है कि वो सगी बहनों से ज़्यादा दिखता है। अब पता नहीं आगे का जो लिखा है वो बताया, अब आपका क्या है मुझे नहीं पता। तो ये सोच विचार करके उन्होंने फल नहीं खाया, और फल क्या किया, गाय को खिला दिया, और अपनी बहन से बात कर ली। तो बहन ने कहा कि ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास संतान नहीं है, और हमारे पास 4-5 बच्चे पहले से हैं, तो अभी फिर एक होने वाला है, तुम आत्मदेव से कह देना कि मैंने फल खा लिया, और जब ये बच्चा हो जाएगा तो गुप्त रूप से आपको दे देंगे, और हमें थोड़ा धन दे देना।
उनकी आपस में सेटिंग हो गई और आत्मदेव बेचारे सीधे कहें कि बुद्धू कहें, वो 9 महीने तक जान ही नहीं पाए कि हमारी पत्नी गर्भवती है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता बनने वाले हो, तो उन्होंने मान लिया। और प्राय ऐसा संसार में क्या देखने को मिलता है, कितने सारे इंजेक्शंस लगते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उस समय भी तो वैद्य होंगे, उस समय भी तो औषधि आदि का सेवन किया जाता होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। अब जब धुंधली की बहन के बेटा हो गया तो गुप्त रूप से रात्रि में धुंधली को लाके दे दिया, और सवेरा होता ही वो तो ढोल बजने लगे, लोग बधाइयां देने लगे, लोग बेटा हो गया बेटा हो गया, और वो बेटा को ले जाके धुंधली दिखा रही है आत्मदेव को, देखो तुम पिताजी बन गए, लो तुम पापा और हम मम्मी। और वो बेटा किसका, ये तो भगवान जानता, धुंधली जानती। अब लोग बड़ा खुश हो रहे। अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि वो फल था गाय को खिला दिया था, तो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े होते हैं, और धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, और गाय माता से जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम रखा गया गौकर्ण। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तन्या भवौ गौकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी तो परम ज्ञानी हुए जो गौ माता से उत्पन्न हुए, और धुंधकारी महाखला। महाखल के यहाँ लक्षण दिए गए हैं। देखिए श्रीमद् भागवत में बड़ी निंदा की गई है, समझ रहे हैं आप, किस चीज की, जुआ खेलने की, किस चीज की, वैश्याव्रति की, किस चीज की, शराब पीने की, बहुत निंदा की गई है। और ये खल के लक्षण नहीं है, खल का अर्थ होता है दुष्ट, और महाखल का अर्थ होता है महादुष्ट। तो ये जो कार्य करता है उसको महादुष्ट कहा गया है, और ये लक्षण किसमें थे, धुंधकारी में। तो ऐसा करते करते धुंधकारी ने अपनी आदि संपत्ति को नष्ट कर दिया, और जब आदि संपत्ति को नष्ट कर दिया तो एक दिन अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, जो आज कलयुग में भी देखने को मिलता है। कोई अपने पिता से, कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मदिरा का पान करने से दिमाग तो रहता नहीं है, जुआ खेलने से जब पांडव जैसे धर्मात्मा अपनी पत्नी को हार बैठे तो आज के मानव का क्या होगा, कभी विचार किया है? तो ऐसी स्थिति में दिमाग का बैलेंस तो बचता नहीं है, तो इंसान गलत ही करेगा, अच्छा तो कुछ करेगा नहीं। तो उसने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। तो आज गौकर्ण जी से आत्मदेव जी रो रहे हैं कि जिस बेटे के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, जिस बेटे के लिए मैं अपने प्राण तक देना चाहता था, आज वो बेटा मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब मुझे कैसे जीना होगा। तब गौकर्ण जी ने उनको समझाया कि पिताजी इस संसार में कोई किसी का बेटा या बेटी नहीं है, और ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी संकेत किया था, आज भी कहते हैं, अभी भी कह रही हूँ कि जो भी संतान, पति पत्नी, ये जिन रिश्तों में हम बंधे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंधना बुरा है, लेकिन बंधे हैं उसको सुनिएगा, तो हमारा कुछ पूर्व जन्म का लेन देन बाकी है, कुछ लिया है कुछ दिया है, और जिन्होंने ना कुछ लिया है ना कुछ दिया है वो हमारे जैसे बैठे हैं। सच्ची बता रहे आपको, लेन देन बाकी है, उसी का परिणाम है। तो उन्होंने यही समझाया कि पिताजी अब संसार का मोह त्याग दीजिए, और अब देहिस्तिमान सुरुदरे भीमतिम त्यजत्तुम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम छड़ भंगो निष्ठम वैराग्य राग रसको भवभक्त निष्ठा। कि पिताजी अब आपका समय है वानप्रस्थ का, 50 से ऊपर
50 प्लस बानप्रस्थ का समय है। एक से लेके 25 तक ब्रह्मचर्य जीवन और 25 से लेके 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से लेके 75 तक बानप्रस्थ जीवन और अगर आयु बचती है तो शेष जीवन 25 से लेके 100 वर्ष तक सन्यास जीवन। ये नियम है जीवन का। उन्होंने यही समझाया कि पिताजी अब वन में जाइए और पत्नी का, बच्चों का, धन का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि मोह तो नरके गति। देखिए मोह का जो विकार है ना वो ममता है। मोह का जो विकार है, जैसे मोह करने के लिए मना नहीं किया जाता, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मोह के बिना दुनिया भी नहीं चलेगी, ध्यान से सुनना, मोह के बिना दुनिया भी नहीं चलेगी, लेकिन मोह की वस्तु चेंज करनी है। जो मोह हमें बच्चों से होता है, जो मोह हमें संसार से होता है, वो मोह हमें भगवान से करना है, भगवान को ही अपना बालक मान के करना है और संसार से व्यवहार करना है। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म करिए, संसार में हो, देखो कर्म के बिना संसार नहीं चलेगा। आंख बिना देखे नहीं रह सकती, कान बिना सुने नहीं रह सकते, हाथ बिना कुछ किए नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए, अब आप ही के लिए जो बाद में कहने जा रही हूँ, ये इतना बड़ा आयोजन कराया है आप लोगों ने, सभी नगरवासियों ने मिलकर, तो उसके लिए धन जुटाना पड़ा, लोगों को जुटाना पड़ा, स्थान जुटाना पड़ा, कर्म किया ना। अगर धन नहीं होता तो ये टेंट नहीं होता, धन नहीं होता कोई भी व्यवस्था नहीं होती, तो कर्म करना पड़ेगा। धन के लिए कहीं शास्त्रों में ये नहीं कहा गया, जो लोग ये उपदेश अगर दे रहे हो ना कि धन मत कमाइए मत कमाइए, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है। अगर कुछ छूटा हो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है, क्योंकि धन के बिना आज का समय नहीं चल सकता है। आपको प्यास लगेगी, बाहर पानी पियोगे तो भी आपको 20-25 रुपए चाहिए पानी पीने के लिए, तो अगर वो पैसे नहीं होंगे तो आपको पानी कौन दे देगा, क्योंकि सौप वाला क्या हमारा कुछ रिश्तेदार लगता है जो फ्री में पिला देगा, और अगर वो पिला भी देगा तो उसका भी तो घर है, वो कैसे चलेगा। तो धन चाहिए। तो कहने का मतलब है कर्म करिए, खूब करिए। जैसे मैंने कहा ना कि एक वो मछली है जो निकलने का प्रयास कर रही है, तो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 4 घंटे परिवार को और 4 घंटे राम राम, तो ये बैलेंस बन के जीवन चलेगा।